टू ग्लोबल इंफ्राटेक। और दोस्तों आज का जो हाउस प्लान हमारे पास रहेगा दोस्तों ये 22 बाई 33 फीट का रहेगा, यानी दोस्तों विड्थ के अंदर ये रहेगा 22 फीट का, और डेप्थ में दोस्तों ये 33 फीट का रहने वाला है। दोस्तों बता दें इस हाउस प्लान के अंदर हम आपको एलिवेशन भी क्रिएट करके दिखाएंगे दोस्तों, और विद प्रॉपर फर्नीचर सेटअप। और दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग्स क्रिएट करने के बाद हम इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे कॉम्पोनेट्स को वन बाई वन। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे इस हाउस प्लान को अगर हम देख लें, यहाँ पे दोस्तों ये फ्रेम स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पे कॉलम नंबर की, दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों कॉलम साइज की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम साइज देखने को मिलेगा दोस्तों। और इन्फोर्समेंट या सरिया दोस्तों यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे 4 और 12 mm के वर्टिकल। और दोस्तों टाई यारिंग के लिए 8 mm का स्टील यूज करेंगे और 6 इंच की दूरी पे दोस्तों यहाँ पे प्लेस करेंगे सेंटर टू सेंटर। और दोस्तों फुटिंग साइज की बात कर लें दोस्तों 4 बाई 4 की रहेगी, और डेप्थ रहेगी दोस्तों आपकी सॉइल कंडीशन के हिसाब से। अगर आपकी नॉर्मल सॉइल कंडीशन है दोस्तों फिर आप 4 से 5 फीट की यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों फुटिंग में आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों 12 mm का ही दोनों साइड से, और 6 इंची का गैप दोस्तों आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस हाउस प्लान की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे हमने चेयर लेवल प्रोवाइड करा हुआ है दोस्तों 1.5 फीट का। और दोस्तों आप कोशिश करें अपने एरिया का रोड रेफरेंस जरूर लें, और कोशिश करें दोस्तों उससे 1.5 या फिर 2 फीट का कम से कम यहाँ पे इसको रेस करके ही प्रोवाइड करें। उससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर आपको सीलेंट से रिलेटेड अपने घर में फिर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों प्लिंथ बीम की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हॉरिजॉन्टल या 12 mm के 4 रॉड्स प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे भी अगर टाई की बात करें तो यहाँ पे 8 mm का ही स्टील यूज करेंगे और 6 इंची की गैप पे प्रोवाइड करेंगे दोस्तों सेंटर टू सेंटर। और दोस्तों इस हाउस प्लान के अंदर अगर हम बता दें दोस्तों ये वेस्ट फेसिंग का हाउस प्लान देखने को मिलेगा, और 2 BHK का दोस्तों ये सेटअप रहेगा। और 2 बेडरूम के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको डाइनिंग, लिविंग, यहाँ पे स्टेयर केस, और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे सिट आउट भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी वॉशरूम वगैरह तो दोस्तों रहेंगे इसके अंदर। तो चलिए फिर दोस्तों यहाँ पे हम एलिवेशन इसका क्रिएट कर लेते हैं, उससे आपको ज्यादा आइडिया होगा, और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे फर्नीचर सेटअप के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आइडिया हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे हम एलिवेशन क्रिएट कर लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों यहाँ पे लाइक और शेयर जरूर करें, और पूरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों अगर एलिवेशन को देख लें इस तरह से हमने यहाँ पे मॉडल टाइप ही क्रिएट करा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक बनाने में काफी टाइम जाएगा। उससे पहले दोस्तों बता दें अगर आप हमसे अपना घर दुकान या फिर किसी भी तरह का अगर कमर्शियल डिजाइन बनवाना चाहते हो तो दोस्तों आपको बिल्कुल रियलिस्टिक रेंडर्स एंड वॉक थ्रूज वगैरह भी प्रोवाइड करे जाएंगे, और दोस्तों बिल्कुल डिटेल ड्राइंग्स ये देखने को मिलेंगी। और दोस्तों बता दें ये पेड सर्विसेज रहेंगी। तो चलिए फिर इस एलिवेशन को अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर ले तो दोस्तों यहाँ पे चेयर लेवल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 1.5 फीट का, हमने ऑल ओवर यहाँ पे मार्क करा हुआ दोस्तों यहाँ पे 1.5 फीट का ये आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बता दें हाउस एंट्री के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको 3 स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे 6 इंची राइजर हाइट के। और फिर दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेप्स लेने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्मॉल सिट आउट एरिया देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको आप सिट आउट एरिया भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास 2 व्हीलर वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे पार्क कर पाएंगे, उसके लिए आप यहाँ पे रैंप वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं फिर। और दोस्तों इस हाउस प्लान की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइट देखने को मिलेगी 10.5 फीट की, और एक्सटीरियर वॉल विड्थ दोस्तों यहाँ पे 9 इंची की रहेगी, इंटीरियर वॉल विड्थ रहेगी 6 इंची की। तो फिर यहाँ पे दोस्तों सिट आउट एरिया से अगर हम राइट की बात करें यहाँ पे आपको एक एंट्री देखने को मिलेगी, और दोस्तों एक फ्रंट में देखने को मिल जाएगी, और दोनों का दोस्तों साइज रहेगा यहाँ पे 3.5 बाई 7.5 फीट का। और दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे फ्रंट एंट्री की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एंट्री लेते हम यहाँ पे एक बेडरूम में पहुंचेंगे, और दोस्तों अगर राइट साइड से जो एंट्री हमने यहाँ पे शो करी है दोस्तों यहाँ से हम स्टेयरकेस एरिया के अंदर पहुंचेंगे दोस्तों। और चलिए दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जीना वाले एरिया से। तो दोस्तों यहाँ पे हम एंट्री देते हैं यहाँ पे स्टेयर केस वाले एरिया में पहुंचेंगे दोस्तों, और इसको आप एज अ स्टोर रूम भी यूज कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज पर्पस के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों फिर अगर स्टेयर की बात कर लें तो यहाँ पे ये हमें एक क्लॉक वाइज शानदार सी स्टेयर मिलेगी दोस्तों, 7.5 इंच की यहाँ पे राइजर हाइट रहेगी, और दोस्तों ट्रेड देखने को मिलेगा यहाँ पे 10 इंची का। और दोस्तों अगर जीना की विड्थ की बात कर लें दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी 3 फीट की, तो इस तरह से ये दोस्तों चेन टाइप यहाँ पे स्टेयर केस रहेगा। और फिर दोस्तों आगे बढ़े तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और एंट्री देखने को मिलेगी जो कि डाइनिंग लिविंग के लिए यहाँ पे निकलेगी दोस्तों, ये भी साइज देखने को मिलेगा 3.5 बाई 7.5 फीट का। और दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पे बेडरूम वाली एंट्री की दोस्तों, तो यहाँ पे हम एंट्री लेते पहुंचेंगे दोस्तों बेडरूम में, और बेडरूम की बात कर लें दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे बेसिक बेड यहाँ पे प्लेस करा है दोस्तों, चाहे तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट या फिर स्टडी टेबल वगैरह आप प्लेस कर पाएंगे, इतनी स्पेस इस बेडरूम के अंदर रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे हम इसके परफेक्ट साइज को वीडियो को बिल्कुल लास्ट में ही डिस्कस करेंगे, और इस तरह के घर को बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो को लास्ट में, तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों फिर बात करें यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों, यहाँ पे विंडो देखने को मिलेगी 5 बाई 5 का यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा, तो इस तरह से वेंटिलेशन होता रहेगा दोस्तों इस फर्स्ट बेडरूम का। और फिर फर्स्ट बेडरूम से भी दोस्तों आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी डाइनिंग और लिविंग एरिया के लिए, इसका भी साइज दोस्तों यहाँ देखने को मिलेगा यहाँ पे 3.5 बाई 7.5 फीट का। और फिर दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें लिविंग डाइनिंग की तो यहाँ पे आपको ये स्पेशियस एरिया देखने को मिलेगा एल शेप का, यहाँ पे हमने सोफा प्लेस करा हुआ है सिटिंग पर्पस के लिए। और दोस्तों यहाँ पे डाइनिंग टेबल की बात करें 6 सीटर यहाँ पे रहेगा, और डाइनिंग टेबल के बिल्कुल एडजस्टेंट यहाँ पे आपको किचन देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे किचन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे किचन एंट्री की बात करें दोस्तों साइज देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों 3.5 बाई 7.5 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे फिर एंट्री लेते ही पहुंचेंगे दोस्तों किचन एरिया के अंदर, और यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा दोस्तों इस तरह से दोनों तरफ से। और प्लेटफॉर्म की बात करें दोस्तों 2 फीट ये वाइड देखने को मिलेगा, और हाइट में रहेगा दोस्तों ये 34 इंचेस का। और दोस्तों किचन वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने OTS प्रोवाइड करा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे हमने 2 विंडोज प्रोवाइड करी है यहाँ पे 2 बाई 5 की, तो इस तरह से किचन का भी फिर वेंटिलेशन होता रहेगा। और दोस्तों लिविंग एरिया की इस तरह से आपको कॉमन लेट बाथ देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और इसका दोस्तों डोर साइज देखने को मिलेगा यहाँ पे 2.5 बाई 7.5 फीट का। और दोस्तों वॉशरूम के अंदर दोस्तों ये लेट बाथ यहाँ पे कंबाइन रहेगा, और इसकी वेंटिलेशन के लिए दोस्तों भी यहाँ पे हमने OTS प्रोवाइड करा हुआ है। और वेंटिलेटर की बात करें दोस्तों जो OTS में यहाँ पे रहेगा, तो इसका दोस्तों साइज देखने को मिलेगा यहाँ पे 3.8 फीट का। और दोस्तों फिर यहाँ पे वॉशरूम से आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको
आपको सेकंड बेडरूम का दोस्तों यहाँ पे डोर देखने को मिल जाएगा। इसका भी साइज दोस्तों यहाँ पे रहेगा 3 बाई 7.5 फीट का। और दोस्तों जैसे ही हम फिर यहाँ पे डोर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम बेडरूम के अंदर पहुंचेंगे। दोस्तों अगर फिर यहाँ पे बेडरूम की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों स्टडी टेबल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे इजिली आप प्लेस कर पाएंगे दोस्तों। और इसकी बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए भी दोस्तों यहाँ पे एक ओटीएस के अंदर हमने विंडो प्रोवाइड करी है और दूसरी दोस्तों यहाँ पे किचन वाले ओटीएस में। और इन दोनों विंडोज का साइज रहेगा 2 बाई 5 फीट का। और फिर इस तरह से दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे मकान का वेंटिलेशन होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस प्लान के ऑल अराउंड यहाँ पे डिफरेंट ओनर प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने ओटीएस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करें। दोस्तों अगर आपके प्लॉट के अंदर यहाँ पे आपके पास अगर और भी स्पेस है तो आप यहाँ पे फिर ऑल अराउंड विंडोज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये फिर आपको शानदार से एलिवेशन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम डायमेंशन में मिलते हैं और यहाँ पे क्या परफेक्ट साइजेस देखने को मिलेंगे इस हाउस के अंदर वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों बजट पे भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों अगर डायमेंशन को यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे दोस्तों प्लॉट साइज रहेगा 22 बाई 33 फीट का। दोस्तों यहाँ पे बैक साइड से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, फर्स्ट बेडरूम का साइज यहाँ पे देखने को मिलेगा 10.5 बाई 10.5 फीट का। और दोस्तों बात कर लें यहाँ पे किचन वाले ओटीएस का, दोस्तों साइज रहेगा 2.5 बाई 2.5 का। और दोस्तों किचन का साइज हमारे पास देखने को मिलेगा 9.5 बाई 7 फीट का। हालांकि दोस्तों ओटीएस का कटआउट भी किचन से ही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे लिविंग डाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा 9.5 बाई 13.5 फीट का। और दोस्तों बात कर ले यहाँ पे कॉमन लेट बाथ की तो साइज देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 7 बाई 4.5 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे अगर वॉशरूम ओटीएस की बात कर ले यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा दोस्तों 3 बाई 4.5 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे अगर सेकंड बेडरूम की बात कर ले तो साइज देखने को मिलेगा 10.5 बाई 10 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे सिट आउट की बात कर ले साइज देखने को मिलेगा 10.5 बाई 5.5 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे स्टेयर केस वाले यहाँ पे एरिया की बात कर ले यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा दोस्तों 11.5 बाई 10 फीट का। तो दोस्तों इस तरह से ये शानदार सा हाउस प्लान आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों बता दें इस तरह के घर को बनाने के लिए दोस्तों 8 से 10 लाख का खर्चा आ सकता है। और दोस्तों ये एरिया टू एरिया वेरी भी कर सकता है, मटेरियल और लेबर कॉस्ट पे भी डिपेंड करेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।